आधार कार्ड की एक सर्विस है वेरीफाई आधार कार्ड, तो इस सर्विस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये सर्विस ई मित्र के लिए क्यों ज्यादा उपयोगी है और किस प्रकार से इस सर्विस का इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वेरीफाई आधार कार्ड सर्विस हम कब उपयोग में लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों आपके ई मित्र में कोई भी कस्टमर आया, वो एक आधार कार्ड लेके आता है, आपको ये पता करना है कि उस आधार कार्ड के साथ कौन से मोबाइल फोन नंबर लिंक है, तो आप इस सर्विस का उपयोग करेंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि जो आधार कार्ड है वो कौन से स्टेट का है, जो आधार कार्ड आपके पास लेके आया है उसकी एज लिमिट क्या है, जो आधार कार्ड आपके पास लेके आया वो आधार कार्ड वैलिड तो है या फिर नहीं, तो इस प्रकार की जानकारी निकालनी है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जानकारी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन कर लेना है, उसके बाद आगे आप क्या करेंगे वो जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा। तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं माई आधार UID.gov.in, इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। उसके बाद ड्रैग करते हुए आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको अलग अलग जितनी भी सर्विस हैं इस पोर्टल पे अवेलेबल सभी दिखाई देने लग जाएगी। दोस्तों आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे वेरीफाई आधार की सर्विस दिखाई देंगी, तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज करेंगे, जिस आधार कार्ड नंबर को आप वेरीफाई करके कंफर्म करना है कि ये आधार कार्ड वैलिड हैं या फिर नहीं, इसके अलावा इसके अंदर कौन से मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक वगैरह जो भी पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद आपको जो कैप्शन कोड दिखाई दे रहे हैं वो दर्ज करने होंगे, तो मैं पहले आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लिए, ये अब मैं ये कोड दर्ज कर दूंगा। उसके बाद प्रोसेस एंड वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल है कि ये जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल सही है, इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर ये इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब आपका आधार कार्ड है वो इनवैलिड है, वो कोई भी काम का नहीं होता अगर इस प्रकार की डिटेल नहीं आती। एज कितनी है आधार कार्ड धारक की, जेंडर क्या है, कौन से राज्य का वो आधार कार्ड है और मोबाइल फ़ोन नंबर कौन से लिंक हैं वो भी बताने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आधार कार्ड को वेरीफाई करके कंफर्म कर सकते हैं कि आधार कार्ड सही है या फिर नहीं और कौन से मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक है।